रक्षाबंधन कब मनाएं, कैसे मनाएं, कब है, कब तिथि है, कब भद्रा पड़ रही है, रक्षाबंधन में क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए और रक्षाबंधन में क्या अशुभ होगा, सब बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत है लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव एस्ट्रोलॉजी में हम आपके जीवन में प्रेम के, रिश्तों के, संबंधों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन कब बनाना है, रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन का विधान क्या है, रक्षाबंधन की कथा क्या है, रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन में क्या नहीं करना है, रक्षाबंधन में क्या करना चाहिए, इन सब बातों का जवाब देने जा रहा हूं। रक्षाबंधन के लिए सबसे पहले तो आप ये किंवदंतियों से बाहर आ जाइए। रक्षाबंधन है ये, रक्षाबंधन कब से प्रारंभ हुआ वो बता रहा हूं। ये पद्म पुराण, वैवस्वत पुराण और विष्णु पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का उपाख्यान है। एक समय जब राजा बलि के दरवाजे पर 52 भगवान दान मांगने गए तो उन्होंने 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने 3 पग धरती दान की, 2 पग में उन्होंने समूचे विश्व को नाप लिया। अतल बितल सुतल तलातल शातल महातल पाताल लोक, 7 लोक 14 भुवन सब नाप लिया। अब तीसरा पैर रखे कहां, क्योंकि जब आए थे तब इतने थे 52 अंगुल के मात्र, और जब नापने लगे तो विराट स्वरूप बना लिया और सब नाप लिया। तीसरे कदम की धरती कहां नापे क्या हो, तो बोले भैया तुम्हारा दान अधूरा रह जाएगा, तुमने 3 पग धरती का संकल्प किया, 2 ही हो पाई, तीसरी कहां। तो बलि ने बड़ी सुंदर बात कही। बलि ने कहा प्रभु दान दे, दान तो आपने स्वीकार कर लिया है, दान दाता को भी स्वीकार कर लीजिए तो मेरा दान बन जाएगा, तीसरा कदम मेरे माथे पर, मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान ने चरणों को उठाकर शीश पर रखा और उसका संकल्प पूर्ण कराया। इतना प्रभावित हो गए, इतना उससे मोहित हो गए कि उसके 7 पाताल लोक में उसके चाकर बनकर, नौकर बनकर, द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। बोले जब तक तुम नहीं कहोगे मैं जाऊंगा नहीं। लक्ष्मी जी बहुत परेशान हुई। एक दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को थाल में सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन और एक रक्षा सूत्र लेकर माता लक्ष्मी पाताल लोक पधारी। बलि को जाकर बोली मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूं, तुम्हें रक्षाबंधन करना चाहती हूं। उसकी कलाई पर राखी बांधते हुए योन बद्धे बलि राजा तानवेंद्रो महाबला तेन तमाम प्रतिपद नाती रक्षे माचल माचल, ऐसा बोलकर राखी बांधा और प्रणाम किया। बलि ने कहा बहन आज के दिन कुछ दान देना चाहिए, क्या दूं मैं तुम्हें। तो बोली भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अपना द्वारपाल मुझे प्रदान कर दो, मुझे तो बस यही चाहिए और हमेशा मेरी रक्षा करना। तब से ये रक्षाबंधन का दिन प्रारंभ हुआ। कुछ लोग इसको यमराज से जानते हैं, कुछ लोग बलि से जानते हैं, लेकिन ये जो पर्व है ये पर्व प्रेम का है, ये पर्व प्रेम और रिश्तों को बनाए रखने के लिए है। इसमें बहनें अपने भाइयों के लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए वरदान देते हैं और ये प्रण करते हैं कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सौहार्द, ये प्रेम, ये आगाध प्रेम आपस का ऐसे परस्पर चलता है। पूर्णिमा यानी पूर्ण तिथि है और अद्भुत संयोग बनता है, तब ये पर्व बनाया जाता है। अब इस पर्व का तिथि से, उदया तिथि से अथवा तिथि के सम्मिश्रण का कोई लेन देन नहीं है। कुछ ज्योतिषियों ने भ्रमित कर रखा है तुम्हें, 30 अगस्त को शायम 8:49 के बाद आप कभी भी राखी बांध सकते हैं और प्रातः 7:55 तक ये
यानी 30 को रात्रि से लेके 31 को प्रातः तक ये आप उपाय, ये आप अपना जो पर्व है वो मना सकते हो। 30 को मनाना है तो शाम को मनाओ, 31 को आप अगर मानस बना रहे हैं तो प्रातः करें। लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्टता से कहूं, सलाह 30 तारीख की है। 30 तारीख को यद्यपि जो पूर्णिमा लग रही है वो सायंकालीन में लग रही है, लेकिन वो पूरे दिन मानी जाएगी, पूरे दिन उसका प्रभाव रहता है। 31 तारीख को क्योंकि उदयातिथि में मिल रही है, उस दिन भी पूरे दिन उसका मान्यता है। लेकिन रक्षाबंधन तो आपको 30 तारीख को मनाना चाहिए, 30 तारीख को। और एक बात बताऊं, रक्षाबंधन में भद्रा का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए निर्भीक होकर के 30 तारीख को मनाएं। इसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर चंदन लगाती हैं, इसमें बहनें अपने भाई के माथे पर रोशना करती हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें रोली नहीं लगाई जाती। इसमें हल्दी और चूने को मिलाकर बनाया हुआ रोशना मस्तक पर लगाया जाता है और इसमें बाबा गणेश का पूजन करके राखी बांधी जाती है। ऐसा करने से भाई का संवर्धन होता है, भाई के का धन धान में वृद्धि होती है और बहनों के प्रति भाइयों का स्नेह बढ़ जाता है। पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे ओतप्रोत के साथ, पूरे आनंद के साथ इस पर्व को मनाएं। और मैं तो कह रहा हूं, देखो 2 दिन हमें मिल रहे हैं, दोनों दिनों में खूब प्रेम से पर्व को मनाना चाहिए। ज्योतिषी सलाह है 30 तारीख को मनाएं और आध्यात्मिक सलाह है कि आप 31 तारीख को मनाएं। आपका जहां मानस बनता हो, अगर आप बहुत आध्यात्मिक हैं, अगर आप साधना पद्धति में हैं, तो आपको 31 तारीख को उदयातिथि पकड़कर मनाना चाहिए। अगर आप संसारी हैं, गृहस्थ हैं, तो आपको ये काम 30 तारीख को करना चाहिए। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे आनंद के साथ ये पर्व मनाइए। आज के दिन बाबा गणेश को राखी जरूर बांधिएगा। आज 5 राखियां बांधी जाती हैं, एक बाबा गणेश को, एक विष्णु को, एक शंकर को और एक कलश को, और 5वीं राखी तुम्हें किसी बुक में, किताब में अथवा गुरु के नाम पर निकालनी होती है। ये 5 राखी बांधकर अपने भाई को राखी बांधें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपके भाई के जीवन में अलग परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। किसी भी रिश्तों के लिए, किसी संबंधों के लिए अगर कोई भी बाधा है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।